उत्तर प्रदेश में उपचुनावों पर सपा की जीत पक्की। जी हां, ये कहा जा रहा है कि इस बार सपा इन सीटों पर जीतेगी ही जीतेगी, जैसे लोकसभा 2024 में सपा ने परचम लहराया है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। क्या ये गठबंधन बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएगा? कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर की सीटें मिली हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गाजियाबाद से डॉली शर्मा, खैर से डॉक्टर चारू किन कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ सकती हैं। क्या ये महिला पार्टी को जीत दिला पाएंगी? वहीं सपा ने करहल से तेज प्रताप सिंह यादव, कटहरी से शोभा वर्मा, सीसामऊ से नसीम सोलंकी को उतारा है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो क्या कांग्रेस सपा का गठबंधन यूपी में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा? कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें।